नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं 12 बजे के इस जनरल अवेयरनेस के खास शो में। तो फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों और सेशन को शेयर करना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। जितने टेलीग्राम ग्रुप हैं आपके, जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने फेसबुक ग्रुप हैं, सभी में भेज दीजिए, क्योंकि भाई 12 बजे का ये शो आप लोगों का लिए गेम चेंजर साबित होगा और आप लोगों के सरकारी नौकरी में एकदम एक सीट पक्की करने के लिए ही ये 12 बजे का ये शो रखा गया है, जिसमें 3 दिन आशीष सर आपको पढ़ा रहे हैं, 3 दिन मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग कहीं से भी कोई कसर नहीं छूटने दे रहे दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन हैं बैंकिंग सेक्टर में, जिससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं चाहे कोई भी बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो। तो आज हम लोग यहाँ पे SBI के एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं मेन्स के। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सभी जानकारी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में स्टैटिक जानकारी हो सकती है, वो सभी यहाँ पर हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो फटाफट से आप लोग यहाँ पे लाइक करना शुरू करिए, इसे शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी तक आप लोग की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर एक कोई कंप्लीट GA बैच होना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई बैच होता है तो उसमें बैंकिंग होती है तो स्टैटिक और करेंट अफेयर नहीं होता, करेंट अफेयर होता है तो उसमें बैंकिंग नहीं होती। तो एक ऐसा बैच होना चाहिए सर जिसमें आप करेंट अफेयर के सारे टॉपिक, स्टैटिक के सारे टॉपिक और बैंकिंग के सारे टॉपिक कवर कराएं। तो भैया वो बैच, गेम चेंजर बैच, जिसे हम लोग GA को गेम चेंजर कहते हैं, अगर GA में नंबर आया तो सिलेक्शन हो जाता है, GA में नंबर छूट गया तो आप जो है कि बाहर हो जाते हैं गेम से। तो इसलिए GA को गेम चेंजर माना जाता है, जिसे सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैथ इंग्लिश रीजनिंग में तो सब उस्ताद होते हैं, वहां GA ही गेम चेंजर बनता है। तो एक कंप्लीट बैच आ गया है GA का गेम चेंजर बैच, इसे ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ये स्टार्ट हो चुका है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए, आप मिस मत कीजिए। इसकी क्लासेस जो है कि लगातार चल रही, 40 से ज्यादा घंटों की क्लासेस हैं, 400 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, रात से 8 से 9 बजे तक हम लोग क्लास लेते हैं, उसके बाद हम लोग डाउट क्लियर करते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है मल्टीपल टाइम देखने के लिए, PDFs मिल रहे हैं, PPTs मिल रही हैं, बस आपको Y162 कोड यूज करना है और इस बैच को ज्वाइन करके मैक्सिमम डिस्काउंट का भी फायदा ले लेना। इस समय मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा आपको Y162 कोड पर मिल रहा है दोस्तों। तो ये बैच आपको बिल्कुल नहीं मिस करना है। अड्डा 24/7 ऐप के थ्रू जाएंगे तो आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस बैच पर। तो भैया मंडे टू सैटरडे क्लास चल रही है, यानी एक भी दिन का गैप नहीं है। आप एक बार कंपेयर कर सकते हैं बैचों से कि किसमें आपको कंप्लीट GA क्यों कहा जा रहा है इस बैच को। 6 दिन क्लास चल रही है, 8 से 9 बजे के बाद डाउट सेशन शुरू हो रहा है, 9:30, 10 बजे तक हम लोग डाउट ही क्लियर कर रहे हैं। कल ही हम लोग की क्लास जो है 9:30 बजे तक चली, करेंट अफेयर 2 दिन लेके चल रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस 2 दिन लेके चल रहे हैं वीक में, स्टैटिक जीके के लिए रखा हुआ है, बर्निंग इशू के लिए 1 दिन रखा हुआ है। कल बर्निंग इशू पे हम लोग ने बात की थी, जितने भी बर्निंग इशू जैसे कि धारा 188, जैसे कल हम लोग ने बैड बैंक पर बात की, जैसे कल हम लोग ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बात की, तो इस तरीके से हम लोग बर्निंग इशू के लिए भी 1 दिन रखे हुए हैं। Y162 कोड यूज कीजिए दोस्तों, मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठाइए। इस समय ये ऑफर चल रहा है मई के लिए, और किसी का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं इस समय Y162 कोड यूज करके। कोई भी बैच, वॉरियर बैच, दक्ष बैच, जीत बैच, कंप्लीट बैच, उड़ान बैच, चैंपियन बैच, किसी का भी संकल्प बैच, मैथ का सूरवीर बैच, कोई भी बैच ज्वाइन करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठाइए दोस्तों। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना सेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, वो सभी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था इंडिया से जितने भी खत्म होते हैं बैंक, लास्ट होते हैं उन सभी का हेडक्वार्टर मुंबई में होता है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को अगर छोड़ दिया जाए तो। खैर अब तो सब मर्ज हो गए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सबका हेडक्वार्टर कहां मिल जाता है हम लोग को दोस्तों, मुंबई में मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि SBI के बारे में कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो आज हम लोग के लिए जानने जरूरी हैं। SBI इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। किन किन टर्म्स में, इन द टर्म ऑफ एसेट्स, इन द टर्म ऑफ डिपॉजिट, इन द टर्म ऑफ ब्रांचेस, इन द टर्म ऑफ प्रॉफिट, इन द टर्म ऑफ कस्टमर्स और इन द टर्म ऑफ इंप्लॉयज। सबसे ज्यादा इंप्लॉयज, सबसे ज्यादा कस्टमर, सबसे ज्यादा प्रॉफिट, सबसे ज्यादा ब्रांचेस, सबसे ज्यादा एसेट्स किसके पास है, SBI के पास है दोस्तों। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर पूछ ले, मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़ी बैंक भारत की कौन है, तो वो स्टेट है, वो है HDFC बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में कौन सी सबसे बड़ी बैंक है, तो वो HDFC बैंक है दोस्तों, वहां पे हम लोग SBI टिक नहीं करेंगे।
एचडीएफसी बैंक इंडिया की टॉप थ्री में आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। पहले नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज आती है, दूसरे नंबर पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आती है और तीसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक आती है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करें कि एसबीआई दुनिया की भी सबसे बड़ी बैंक है। तो एसबीआई दुनिया की सबसे बड़ी बैंक किस मामले में, भाई इंडियन बैंक इंडिया पे नहीं खत्म होता, वो इंडियन से शुरू होता है, ठीक है। तो वहां ये ट्रिक नहीं, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक इंडियन से शुरू होता है, तो उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, उसकी एक अलग ट्रिक है। यहाँ मैंने बात किया इंडिया पे खत्म होने वाली, ठीक है। तो राहुल रंजन शशांकत, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एसबीआई के पास दुनिया की सबसे ज्यादा ब्रांचेज है, यानी एसबीआई के पास 24,000 से ज्यादा ब्रांचेज है। कितनी है दोस्तों, 24,000 से ज्यादा ब्रांचेज है। तो एसबीआई दुनिया की नंबर वन बैंक है इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेज। तो वैसे तो दुनिया की सबसे नंबर वन बैंक अगर एसेट्स में देखा जाए तो वो आईसीबीसी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है ना। तो लेकिन यहाँ पे ब्रांचेस की बात हो रही है, तो ब्रांचेस के टर्म्स में दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारा भारतीय स्टेट बैंक। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थोड़ी हिस्ट्री पे चलते हैं दोस्तों, ऐतिहासिक बिंदुओं को देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आई थी। आप लोगों को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई एस्टेब्लिश्ड हुई थी। कमिटी कौन सी थी, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी। लेकिन कमिटी के नाम से कमिटी फेमस नहीं होती, एग्जाम में नहीं पूछी जाती, कमिटी के चेयरमैन से पूछी जाती है। जैसे आरबीआई की जो कमिटी थी, आरबीआई जिस कमिटी की रिकमेंडेशन पर आई थी उसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस, लेकिन पूछा जाता है हिल्टन यंग कमीशन, क्योंकि उसके चेयरमैन ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हिल्टन यंग साहब थे। उसी तरीके से एसबीआई के जो कमिटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो एडी गोरेवाला साहब थे। तो इसीलिए हम लोग ये याद रखते हैं कि एसबीआई एडी गोरेवाला कमिटी के रिकमेंडेशन पर आई थी, क्लियर है। तो भैया अब एसबीआई का ओनर कौन है, तो एसबीआई जब एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1955 में तो इसकी ओनर आरबीआई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके 60% शेयर एक्वायर किए थे, लेकिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसका पुराना नाम था, अभी हिस्ट्री हम लोग आएंगे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 61.23% शेयर एक्वायर कर लिए। कब किए, क्या किए, सब बातें आज होंगी, डिटेल में बात होगी दोस्तों। तो इसकी ओनर इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जिसके पास 61.23% शेयर है एसबीआई के, क्लियर है। तो एसबीआई से रिलेटेड हर चीजें आपके लिए जाननी जरूरी है, कुछ कंफ्यूजन भी हो जाता है, जैसे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिए एसबीआई का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, एसबीआई में चेयरमैन जो है रजनीश कुमार है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर चार होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर आप एक याद करके खुश मत हो जाइएगा, तो दिनेश कुमार खरा जी भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अरिजीत बासु भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीएस सेट्टी भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और एक सीट अभी वैकेंट है। तो एमडी चार होते हैं, ये नहीं कि आपने याद कर लिया श्री सीएस सेट्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए तो आपने जो है अरिजीत बसु अगर ऑप्शन में आ गया तो आपने उसको गलत टिक कर दिया, दिनेश कुमार खरा आ गया तो आपने उसको गलत टिक कर दिया, नहीं नहीं सीएस सेट्टी हैं, अरिजीत बसु तो पहले वाले हैं। भैया ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल बताइए कि यस सर क्लियर होते चल रहा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, ये तो हम लोग बात कर लिए। बैंक डिसेंट फ्रॉम बैंक ऑफ कलकत्ता, आपको मैं थोड़ी सी इतिहास में ले चलता हूं, थोड़ी सी हिस्ट्री में ले चलता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे हुकूमत की थी, बंगाल से उसने कब्जा करना शुरू किया था, कोलकाता को उसने भारत की राजधानी बनाई थी। उसने भारत को अच्छे से गवर्न करने के लिए भारत को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना। और इस तरीके से तीनों के गवर्नर भी अलग अलग हुआ करते, तो तीनों प्रेसिडेंसीज के बैंक भी अलग अलग हुआ करते थे। बैंक ऑफ बंगाल 1806 जिसका पुराना नाम बैंक ऑफ कलकत्ता था, और 1809 में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल चेंज होके हुआ। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 में आई, ये भी एक प्रेसिडेंसी बैंक थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, और फिर बैंक ऑफ मद्रास जो 1843 में आई। ये तीनों प्रेसिडेंसियों की ये प्रेसिडेंसी बैंक्स थी जो नोट भी करेंसी भी छापा करती थी, तो इन्हें हम लोग प्रेसिडेंसी बैंक्स कहते थे। तो एसबीआई की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हुई है, क्योंकि ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके 27 जनवरी 1921
1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पहले बैंकों को रेगुलेट भी करता था, लाइसेंस भी देता था, और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में आरबीआई ने एक्वायर कर लिया और इसका नाम हो गया, रीनेम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये पूरा का पूरा ये इतिहास है जो इसको बहुत ही मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बता दिया दोस्तों। तो बैंक डिसेंट फ्रॉम द बैंक ऑफ कलकत्ता फाउंडेड इन 1806 वाया द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, मेकिंग इट द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना बैंक इसको ये बनाता है एसबीआई को। तो सोचिए एसबीआई का 200 साल से पुराना इतिहास, इसीलिए एसबीआई कभी कभी अपनी टैगलाइन में ये भी लिखता हुआ दिखता है कि विगत 200 वर्षों से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। तो 1806 से अगर देख लिया जाए तो 214 साल हो गए हैं आज एसबीआई को, अगर इसके पुराने इतिहास को देखा जाए। पहले बैंक ऑफ कलकत्ता था, फिर बैंक ऑफ बंगाल हुआ प्रेसिडेंसी बैंक, फिर उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और अब फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक कंट्रोल ऑफ द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1955 विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया सेंट्रल बैंक टेकिंग 60% स्टेक। आरबीआई ने इसका 60% स्टेक ले लिया था और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख लिया था। कब? 1955, डेट 1st of July। ठीक है, चलिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब आई थी? 27 जनवरी 1921। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन 1959, उसके बाद 1959 में क्या हुआ कि जितने भी राजाओं के बैंक थे, यानी प्रिंसली स्टेट्स थे, रियासतों के बैंक थे। आपको पता है कि आजादी के पहले बहुत सारी रियासतें थी हमारे देश में, जिसको हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री अभी आईबीपीएस में आया था, और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने सभी रियासतों को एकजुट किया था। अब इसमें कुछ रियासतों की बैंक्स थी जिसको बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडियरी बैंक एक्ट ला करके एसबीआई का एसोसिएट बैंक बनाया गया, जिसमें हैदराबाद रियासत का स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद हो गया, पटियाला रियासत, त्रावणकोर, मैसूर, ऐसे बहुत सारे रियासतें थी, सौराष्ट्र, इंदौर, बहुत सारे रियासतों की बैंक्स थी। तो टोटल शुरू में 8 बैंक्स थे एसबीआई एसोसिएट, टोटल कितने थे? 8 थे, बीकानेर, जयपुर, बहुत सारे बैंक्स थे। अब बाद में क्या हुआ, ये सारे के सारे बैंक्स धीरे धीरे एसबीआई में मर्ज होते गए। लास्ट में 2017 में 5 एसबीआई एसोसिएट्स बचे थे, 5 एसबीआई एसोसिएट्स बचे थे और एक भारतीय महिला बैंक, ये मर्ज हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 अप्रैल 2017 को। मर्जर जो अभी हुए हैं उनकी शुरुआत 2017 में एसबीआई से हो चुकी है, यानी एसबीआई से भारत सरकार वो हर काम पहले कराती है जो बाकी बैंकों से उसको बाद में कराना होता है। तो 6 बैंक इसमें मर्ज हुए थे, तो ये दुनिया के टॉप 50 बैंकों में उस समय आ गई थी। तो भाई बड़े बैंक बन गए, उसके बाद इसने अपनी टैगलाइन भी बदल दी, बड़े बैंक के बड़े फायदे, 6 बैंक और इसमें मर्ज हो गए तो बहुत बड़ा बैंक हो गया एसबीआई। तो इसने अपनी टैगलाइन रख दी बड़े बैंक के बड़े फायदे। मर्जर के बाद एसबीआई में स्ट्रक्चरल क्या क्या चेंजेस आए, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए, उस पर भी आज हम लोग बात करेंगे। देखिए लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें कि एसबीआई में जब पहले आरबीआई का शेयर था तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे शेयर एक्वायर क्यों कर लिए? तो 2008 में ये काम किया गया जब सौराष्ट्र, बैंक ऑफ सौराष्ट्र को एसबीआई में मर्ज भी किया गया था उसी समय। 2010 में इंदौर को मर्ज किया गया था, बाकी 5 जो बच गए थे वो मर्ज किए गए थे 2017 में। इंडियाज स्टेट बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेक इन एसबीआई सो एज टू रिमूव एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देखो हितों का टकराव, क्योंकि आरबीआई क्या है, कंट्री की बैंकिंग रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। अगर आप किसी भी सेक्टर के रेगुलेटिंग अथॉरिटी हैं, अंपायर हैं, नियम बनाते हैं, तो अगर आपकी कोई टीम होगी तो आप उस प्लेयर को, उस टीम के प्लेयर को आप जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे, फेवर करोगे। तो आरबीआई पे ये आरोप लगता था कि वह एसबीआई को ज्यादा फेवर करता है, बाकी बैंक ये आरोप लगाते थे। तो इस हितों का टकराव को देखते हुए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए कि आरबीआई का पैसा लगा हुआ है एसबीआई में, तो इसलिए एसबीआई को ज्यादा प्रिविलेज देता है, आरबीआई के सारे शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कब्जे में ले लिए। और पिछले साल 2 और बैंकों में आरबीआई के शेयर थे, नेशनल हाउसिंग बैंक में 100% शेयर था आरबीआई का, और
नाबार्ड में भी आरबीआई का शेयर था, इन दोनों बैंकों से भी आरबीआई के सारे शेयर ले लिए गए। तो ये बात याद रखिएगा, नेशनल हाउसिंग बैंक जो 9 जुलाई 1988 में आया था जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली, और नाबार्ड जो 12 जुलाई 1982 को आया था जिसका हेडक्वार्टर मुंबई, इन दोनों के भी शेयर जो है वो आरबीआई के जितने थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एक्वायर कर लिए। ठीक है, बात ये समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया, बैंक का मर्जर का सेशन हुआ है, बैंक के मर्जर का सेशन हुआ है। आप एक बार बर्निंग इशू प्लेलिस्ट में चले जाइए, अड्डा 24/7 के प्लेलिस्ट में चले जाओ, सबसे नीचे बर्निंग इशू प्लेलिस्ट में चले जाओ, तो उसमें मेगा मर्जर नाम से एक लिंक मिलेगा आपको, वहां पर ये मिल जाएगा। नहीं तो मैं भी कमेंट में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा दोनों, और मेरे ये सारे जो बैंकिंग के जो 12 बजे शो है वो जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट और बर्निंग इशू की प्लेलिस्ट दोनों एक बार फॉलो कर लीजिए, मैं कमेंट में भी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाटा पुडी वरुण करे, आई डिडंट गेट दिस पॉइंट वंस से अगेन सर। देखो, आरबीआई रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, यानी कि नियम बनाता है, अगर उसी सेक्टर में उसकी कंपनियां होंगी तो वो उनको फेवर करेगा। इसीलिए जिस भी बैंक में आरबीआई के शेयर्स थे वो सारे भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए, आरबीआई के सारे शेयर रिमूव कर दिए ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट न बने, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट न बने, आरबीआई के ऊपर कोई ये चार्ज न लगा पाए कि आरबीआई इसको फेवर करता है क्योंकि आरबीआई के शेयर्स हैं इस कंपनी में। ठीक है, तो इसलिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी का ये हटा दिया गया। अब आइए अब रिसेंट पे चलते हैं, क्या क्या इस समय रिसेंट सिनेरियो चल रहा है। आरबीआई इस समय फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में 236 पोजीशन पर है। ठीक है, जो 2019 की लिस्ट जारी हुई है वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉरपोरेशन की। आरबीआई के लार्जेस्ट बैंक इंडिया है विथ 23% मार्केट शेयर इन एसेट्स, यानी कि 1/4 मार्केट जो है भारत का जो लोन्स का और डिपॉजिट का वो किसके पास है, एसबीआई के पास है, एसबीआई के पास है। ठीक है, आरबीआई निकल रहा था, एसबीआई के पास है। ठीक है, अब यहां पे समझ लो मेरी बात कि सैकड़ों बैंक हैं, सैकड़ों बैंकों में जितने पैसे हैं उतना उसका 23% अकेले एसबीआई के पास है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, एसबीआई के पास 42 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हैं, अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है, अमेरिका की आबादी से भी 10 करोड़ ज्यादा कस्टमर अकेले एसबीआई के पास है। सोचो, एसबीआई को अगर देश घोषित कर दिया जाए तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा चाइना और इंडिया के बाद। तो इसलिए एक एवरेज बैलेंस का 10 रुपए का चार्ज भी ले लेता है तो एसबीआई प्रॉफिट में आ जाता है। तो एसबीआई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको करीब 19 साल बाद लॉस हुआ था जब वो 6 बैंक मर्ज हुए थे 2017 में। तो यह सोचो कि कितनी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। एसबीआई हैड एसेट वर्थ ओवर $500 बिलियन। एसबीआई के पास 35 कंट्रीज में 190 फॉरेन ऑफिसेज हैं। यहाँ पे फॉरेन ऑफिसेज कर लीजिएगा, कई यहाँ पे आपको डेटा अलग अलग भी मिल सकते हैं, जैसे कई जगह लिखा होगा 36 कंट्री 195 फॉरेन ऑफिसेज, कई जगह आपको लिखा मिलेगा 37 कंट्रीज 198 ऑफिसेज। तो याद रखिएगा कि दो देशों से इसका जो है ऑपरेशन बंद हुआ है, इसलिए अब ये 35 कंट्रीज में। ये मत सोच लेना कि ये तो 35 कंट्रीज है, 36 या 37 कंट्रीज वाला अपडेटेड है, नहीं, 35 कंट्रीज वाला अपडेटेड है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की एसबीआई से रिलेटेड, कि अरुंधति भट्टाचार्य जो थी, जो भारत में एक कहा जाए कि एक एग्जांपल एसबीआई ने सेट किया था कि एसबीआई में पीओ बनी थी, प्रोबेशनरी ऑफिसर, और वहां से प्रमोट होते होते कंपनी की चेयरमैन बन गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो अरुंधति भट्टाचार्य पहली वुमेन थी जो एसबीआई की चेयरमैन बनी थी। ठीक है, SBI has 16 regional hubs and 57 zonal offices. SBI has over 24,000 branches plus in India. देखिए, मर्जर के बाद क्या सिचुएशन हुई, ये बहुत पूछता है कि मर्जर के बाद कितनी ब्रांचेस हो गई, मर्जर के बाद कितने ATM पूछा गया एग्जाम में। तो कितनी ATM है भारत में, SBI के 59,000 से ज्यादा ATM है, 24,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। क्लियर है, चलिए
हाँ प्रीवियस चेयरमैन है, इस समय चेयरमैन तो रजनीश कुमार है, बिल्कुल। अब यहाँ पे इसीलिए देखिए यहाँ वॉज लगा हुआ है, इज नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, एसबीआई ऑल्सो ऑफर्स एन इंटीग्रेटेड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म नेम्ड योनो ऐप। एसबीआई का अपना एक ऐप भी है जिसका नाम उन्होंने योनो रखा हुआ है। योनो का फुल फॉर्म क्या है? यू ओनली नीड वन, यू ओनली नीड वन। तो योनो ऐप जो है वो एसबीआई का ऐप है जिसे आपके एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म के रूप में पूछा जा सकता है, क्लियर है। अब इस समय सेल्स फोर्स की चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य, कार्तिकेय द्विवेदी जी बता रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे कुछ और बात कर लेते हैं एसबीआई के शेयर्स की। एसबीआई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 61.23%, आपको ये तो पता है, लेकिन किसी कंपनीज में, नॉन प्रमोटर कंपनीज में अगर किसका सबसे ज्यादा शेयर है एसबीआई का, तो वो है एलआईसी का। एलआईसी का शेयर है एसबीआई में 8.82%, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो नॉन प्रमोटर, प्रमोटर मतलब होता है जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, प्रमोटर्स होते हैं जो मालिकाना हक रखते हैं, नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स में सबसे ज्यादा शेयर एलआईसी के पास है, 8.82% शेयर लेकर के सबसे ऊपर पोजीशन पे बना हुआ है एलआईसी ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, देखो एलआईसी का भी आईपीओ आने वाला है, एलआईसी भी अब शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाएगा। एलआईसी का जो आईपीओ आएगा तो वो बहुत बड़ा आईपीओ कहा जाएगा, बहुत बड़ा, उसकी तुलना अलीबाबा, चाइना के अलीबाबा के आईपीओ से और सऊदी अरब के अरामको कंपनी के आईपीओ से की जा रही है कि जब आएगा तो बहुत बड़ा जो है कि ये आईपीओ लॉन्च होगा। और आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होने वाली होती है, शेयर उसके आने वाले होते हैं, तो उसके पहले वो एक ऑफर लेके आती है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियली पब्लिक के सामने ऑफर लेके एलआईसी जा रही है, पैसे रेज कर रही है, फंड रेज कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे यस बैंक की अभी हालत खराब हो गई थी, तो आरबीआई ने यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लॉन्च किया। और आपको पता है कि भारत सरकार और आरबीआई के हर दुख की घड़ी में एसबीआई एकदम आगे आ जाता है कि बताइए क्या करना है। तो यस बैंक में करीब पहले 7,250 करोड़ जो है रुपए इन्वेस्ट करने की बात थी, 7,250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात थी, लेकिन बाद में 6,050 करोड़ रुपए एसबीआई से इन्वेस्ट करवाए गए। 7,250 क्यों नहीं कराए गए? तो फिर 50% से ज्यादा शेयर हो जाता तो एसबीआई मालिक हो जाती ना, इसलिए इसके जो शेयर होल्डिंग है वो कितनी अभी यस बैंक में हो गई है, 48.21%। तो भाई एसबीआई ने यस बैंक में शेयर खरीद लिए हैं 48.21%, और कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, 6,050 करोड़ रुपए। 7,250 करोड़ की बात हुई थी लेकिन 6,050 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट में, इसलिए इसको भी आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए सुधीर लेंडे कह रहे हैं लाइक एंड शेयर गाइस, तो बिल्कुल लाइक और शेयर करिए। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, टेक्निकल जानकारी मिल रही है, बहुत सारी जानकारी अपडेट हुई है, तो भाई लाइक बनिए, लाइक करना बनता है दोस्तों, ये हमारी गुरु दक्षिणा आप कह सकते हैं। आप इसे शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा, कमेंट जरूर किया कीजिए यार, कमेंट करने से वीडियो स्क्रॉल होते हैं, वीडियो आगे बढ़ते हैं, तो अपने गुरु जी को आगे पहुंचाने के लिए आप इतना तो कर सकते हैं कि लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और तो कुछ आपको करने को मैं बोल नहीं रहा हूँ, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन, तो बस आपको इतना ही काम करना है अपने गुरु जी के लिए, बस और ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं एसबीआई की बहुत सारी टैगलाइन रही हैं, तो एसबीआई की टैगलाइंस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स एसबीआई की टैगलाइन, विथ यू ऑल द वे ये एसबीआई की टैगलाइन, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन ये एसबीआई की टैगलाइन, बैंकर टू एवरी इंडियन ये एसबीआई की टैगलाइन, नेशन बैंक ऑन अस ये एसबीआई की टैगलाइन, बहुत सारी आपने टैगलाइन आपने देखी है एसबीआई की। लेकिन मर्जर के बाद जो टैगलाइन हो गई है वो दोस्तों क्या हो गई है, बड़े बैंक के बड़े फायदे, क्योंकि अब 6 बैंक उसमें मर्ज हो गए तो बहुत बड़ा बैंक हो गया, तो एसबीआई अब बड़ा बैंक हो गया तो बड़े बैंक के बड़े फायदे। जैसे विजया बैंक और देना बैंक जब बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुए तो उसका क्या टैगलाइन हो गया था, एक से बढ़कर तीन बेहतर से बेहतरीन, एक से बढ़कर तीन बेहतर से बेहतरीन।
समीरन चक्रवर्ती कह रहे दो बार लाइक कर दिया सर। अरे दो बार लाइक करोगे तो वो लाइक हट जाएगा यार, दो बार लाइक नहीं, एक ही बार लाइक करो, जब ब्लू हो जाए तो छोड़ दो ना, दो बार लाइक करोगे ज्यादा खुश होके तो वो लाइक हट जाएगा। नीति रावत के लिए थैंक सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं यार, थैंक यू अंजलि, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे देव शुक्ला का सर डेटा खर्च हो रहा है, तुम लोग भी बहुत मजा किया यार, डेटा आजकल फ्री है समझ लो, इतना डेटा मिल रहा है तुम लोग को, है ना, मम्मी पापा का तुम लोग हॉटस्पॉट भी चला देते हो पता चलता है ना, पबजी खेलने में डेटा खर्च नहीं होता है ना, पढ़ने में ही डेटा खर्च होता है, सारे अच्छे काम में ही तुम लोग को जो है कि दिक्कत समझ में आती है। SBI का लोगों की बात कर ले, SBI की तो अलग अलग देखने वाले को अलग अलग नजरिया दिखता है, कहीं ये दिखता है कि एक एक कॉमन मैन यहाँ पे बीच में खड़ा है, पूरी जो है कि ये पूरा एक सुरक्षा चक्र है SBI का, तो किसी को ये की होल दिखता है कि ये की होल है, और यहाँ पे अगर देखा जाए लोगो ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द ब्लू सर्किल विद अ स्मॉल कट इन द बॉटम दैट डिपिक्टेड परफेक्शन एंड द स्मॉल मैन इन द कॉमन मैन, बैंक बीइंग द सेंटर ऑफ द बैंक बिजनेस, यानी कि बैंक के बिजनेस के बीच में SBI का जो ध्यान है वो कॉमन मैन पर है, आम आदमी पर है, है ना। लोगो केम फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, तो ये लोगो आया कहां से था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद ने इसे डिजाइन किया था, और अहमदाबाद में ये कंकरिया लेक है, कंकरिया लेक का कहीं ना कहीं ये जो शेप है ये कंकरिया लेक का, ये जो SBI के लोगों का शेप है ये कंकरिया लेक को, कभी आपने गूगल पे सर्च किया इमेज में तो आपको कंकरिया झील जो है ऐसी ही दिखाई देगी, तो उसी से इंस्पायर्ड था ये SBI का लोगो, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं SBI की सब्सिडियरीज की, सब्सिडियरीज किसे कहते हैं, देखो SBI के एसोसिएट्स भी थे, SBI की सब्सिडियरीज भी है, SBI के एसोसिएट्स यानी एसोसिएट्स किसे कहते हैं, जिसमें मदर कंपनी का 50% से कम शेयर हो, यानी ओनर ना हो, सब्सिडियरीज किन्हें कहते हैं, जिसमें मदर कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर हो यानी ओनरशिप हो, जैसे RBI की सब्सिडियरी है DICGC जो 5 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस करती है, तो उसमें RBI की ओनरशिप है। NHB पहले RBI की सब्सिडियरी थी, लेकिन अभी NHB में आपने देखा कि RBI का सारा शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया, तो अब वो RBI की सब्सिडियरी नहीं है। उसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे SBI कैपिटल मार्केट जिसमें वो शेयर और ये सारे डीमेट वाला काम करती है, SBI कार्ड में SBI क्रेडिट कार्ड का काम होता है, SBI लाइफ इंश्योरेंस जिसमें SBI लाइफ इंश्योरेंस काम होता है, SBI जनरल इंश्योरेंस, SBI म्यूचुअल फंड भी है जिसमें म्यूचुअल फंड का काम होता है SBI का, तो बहुत सारी जो है यहाँ पे SBI की नॉन बैंकिंग सब्सिडियरीज है, ठीक है। अरे जब मर्जर के बाद बाकी बैंक की टैगलाइन, अरे जब मर्जर हो गया तो बाकी 6 बैंक तो खत्म हो गए ना, अब तो SBI की ही बचा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और थोड़े से और फैक्ट्स देख लेते हैं रिसेंट के। SBI इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड इन इंडिया। SBI भारत का पहला बैंक है जिसने भारत में म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था। SBI ने अभी हाल ही में नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस चार्जेस को हटा दिया है। देखो SBI प्रॉफिट में जब लॉस में गई थी तो उसने ये एवरेज बैलेंस चार्जेस लगाने का फैसला किया था कस्टमर्स पे, 10 रुपए 15 रुपए। देखिए SBI ने क्या किया था कि बोला था कि मेट्रो शहर वालों को 5,000 रुपये मेंटेन करना है, सिटीज वालों को 3,000 रुपये मेंटेन करना है, और जो छोटे छोटे टाउन कस्बे हैं सेमी अर्बन एरिया उनको 2,000 रुपये मेंटेन करना है, और विलेज वालों को 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, जो नहीं मेंटेन करेगा उससे हम चार्ज लेंगे। लेकिन अभी इस समय SBI ने महानता दिखाई है, बड़प्पन दिखाया है, और ये जो मिनिमम चार्जेस जो प्राइवेट बैंक का था ये चार्जेस अब हटा लिया, यानी प्राइवेट बैंक वाले लगाते थे, SBI नहीं लगाती थी, लेकिन SBI ने अपने आप को प्रॉफिट में लाने के लिए लगाया था, और मतलब समझ लो मैंने कहा ना इतने कस्टमर है कि सबसे गलती हो जाती, 10-10 रुपये सबसे काट लिए, SBI प्रॉफिट में चली आई, तो अब प्रॉफिट में आ गई तो अब ये चार्जेस उसने लेना बंद कर दिया। SBI ही पहली बैंक है जिसने एक्सटर्नल बेंचमार्क से अपने लोन के साथ साथ डिपॉजिट को भी अटैच कर दिया था। आपको पता है कि सभी बैंकों से कहा गया है कि अपने लोन्स को एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी रेपो से लिंक कर दीजिए,
ताकि आरबीआई जब भी रेपो रेट कम करे आपके डिपॉजिट के रेट्स भी कम हो जाए, आपके लोन्स के भी रेट्स कम हो जाए। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाए तो आपके लोन्स और डिपॉजिट्स के रेट्स भी बढ़ जाए। तो लोन्स पे करने को कहा था आरबीआई ने, SBI ने एक कदम आगे बढ़ते हुए डिपॉजिट को भी इस एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ दिया था। SBI पहला बैंक है जिसने अपने डिपॉजिट को भी एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी RBI के रेपो रेट से कनेक्ट किया है। रेपो रेट इस समय 4% चल रहा है जिस पर RBI बैंकों को लोन देता है। तो जब भी RBI बढ़ाएगा मॉनेटरी पॉलिसी में वही अपने आप बढ़ जाएगा इसका इसके इंटरेस्ट रेट। तो ये बहुत अच्छा कदम उठा लिया गया। SBI gives automatic another 3-month moratorium to its customer without requesting. आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में मोराटोरियम दिया गया लोन्स पे कि भैया इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप लोन की किस्त नहीं दे पाओगे तो मत दो, हम आपको NPA डिफॉल्टर नहीं घोषित करेंगे, हम आपसे कोई भी चार्जेस भी नहीं लगाएंगे, कोई भी पेनाल्टी नहीं लगाएंगे। SBI ने पहला बैंक है जिसने 3 महीने का मोराटोरियम और बढ़ा दिया है जून जुलाई अगस्त के लिए, चलिए टोटल 6 महीने का मोराटोरियम दे दिया है विदाउट रिक्वेस्टिंग, यानी कस्टमर को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि मेरी हालत खराब है मुझे मोराटोरियम दीजिए। ऑटोमेटिक जो है कि सबको मोराटोरियम दे दिया गया, बस एक मैसेज जाएगा SBI की तरफ से कस्टमर के पास कि आपको मोराटोरियम चाहिए, उन्होंने यस कर दिया तो बस आपको वो मोराटोरियम का मिल जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही दोस्तों? तो बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिल पाए। मोराटोरियम मतलब क्या होता है? मोराटोरियम मतलब होता है बैंकिंग हॉलीडे। मोराटोरियम भाई, यहाँ पे सुधीर लिंडे जी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर किसी को उनके क्वेश्चन का जवाब है तो भाई यहाँ बता दीजिए, है ना? हाँ बिल्कुल, श्वेता सैनी जी ने बता भी दिया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको फिर बता देते हैं, SBI की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, आपको इन्फॉर्मेशन दे दे गेम चेंजर बैच, जो कंप्लीट GA बैच है जिसमें बैंकिंग, करेंट अफेयर, स्टैटिक GK, बर्निंग जो सब कुछ कवर हो रहा है यार। अगस्त तक क्लास चलने वाली, आप अगर SBI और RBI स्टैंड की तैयारी करें तो आपके लिए बेस्ट बैच है। यानी कि आपको बैचेज में बैंकिंग मिलता है तो करेंट नहीं मिलता, करेंट मिलता है तो बैंकिंग नहीं मिलता, ये दोनों मिल जाए तो स्टैटिक और बर्निंग इशू नहीं मिलते। तो ये सारी चीजें एक बैच में कर दी गई हैं। 8 बजे से 9 बजे तक क्लास चलती है, 6 दिन क्लास चलती है, 9 बजे के बाद हम लोग डाउट सेशन लेते हैं, जब तक आपके डाउट चलते रहते हैं तब तक हम लोग, और बहुत मजा आता है इस बैच को, एक बार ज्वाइन कीजिए दोस्तों। अड्डा 24/7 ऐप पे जा करके इसे ज्वाइन कीजिए, Y162 कोड यूज करिए और बेस्ट डिस्काउंट का फायदा उठाइए। ऐप के थ्रू जाएंगे तो 5% का और डिस्काउंट मिलेगा। किसी का भी बैच ज्वाइन करिए, बस कोड याद रखिए Y162 ही आपको यूज करना है बेस्ट डिस्काउंट के लिए। इस समय 57% का डिस्काउंट चल रहा है। अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।